अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में आने वाली कॉलोनियों को लेकर भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने आज अजमेर कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात की। देवनानी ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि ग्राम पंचायतों के अधीन आने वाली इन कॉलोनियों को अजमेर नगर निगम की सीमा में शामिल किया जाए ताकि यहाँ रहने वालों को लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर देवनानी ने जिला कलेक्टर अजमेर की पेयजल समस्या के समाधान की भी मांग की और आरोप लगाया कि जलदाय विभाग के अधिकारी सरकार और प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। जलदाय विभाग लगातार दावा करता है कि अजमेर शहर में 42 घंटे में पेयजल की सप्लाई की जा रही है, जबकि वास्तविकता है कि अजमेर शहर में 72 से 96 घंटे में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जिसके चलते आम जनता परेशान है। इस अवसर पर देवनानी ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से हटाए गए 20,000 नामों को लेकर भी अपनी आपत्ति व्यक्त की है और आरोप लगाया है कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कई BLO ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी आधार के मतदाता सूची में संशोधन करते हुए लोगों के नाम हटा दिए हैं। देवनानी ने इस अवसर पर कलेक्टर को 81 बूथों की एक सूची भी सौंपी। देवनानी के अनुसार यह ऐसे मतदान केंद्र है जहां 100 से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। देवनानी ने कलेक्टर से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच करवाकर दोषी BLO के खिलाफ कार्यवाही की जाए और जो मतदाता अभी भी इसी विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं उनका नाम वापस से मतदाता सूची में शामिल हो। फाइसागर रोड पर जो कॉलोनियाँ हैं इससे नागरिकों का जीवन इस समय बहुत ही दुर्गम हो गया है, क्यों पंचायतें वहाँ की न सफाई करवाती हैं, न उनको स्ट्रीट लाइट मिलती है और न किसी प्रकार का सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए मैंने मांग की है कि इन सारी कॉलोनियों को आप नगर निगम में जोड़िए और वह मैंने 27 कॉलोनियों के लिख कर के दिया है जो पिछले कुछ वर्षों में वहाँ बसी हैं उनको वहाँ पर नगर निगम में जोड़ने की प्रक्रिया आप तुरंत शुरू करें। दूसरा, जो अभी विधानसभा के अंदर घोषणा हुई थी कि आपकी वहाँ पे निगम के अंदर 40 किलोमीटर सड़क बनेगी, उसके कुछ प्रस्ताव थे, उनको भी मैंने कहा इसको संशोधित प्रस्ताव जो आपके पास आए हैं उनको आप सरकार को तुरंत भिजवाएं, ये मांग रखी। तीसरी, पानी की समस्या कि इनको इंजीनियर लोग कहते हैं कि हम 48 घंटे में दे रहे हैं। मैंने कहा आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 72 और 96 घंटे से पानी कम इक्का दुक्का कॉलोनी होंगी वहाँ को 48 घंटे से मिल रही हैं, आप जरा इन इंजीनियर्स को कहिए। TMC की मीटिंग में हमने तय किया था कि आपके रामप्रसाद घाट के पास में कोई भी प्राइवेट बस स्टैंड नहीं बनेगा, लेकिन आज तक भी वो प्राइवेट बस स्टैंड बना हुआ, अभी भी बसें वहाँ खड़ी हैं। तो इस प्रकार सरकारी आदेशों की जो मखौल उड़ रहा है तो उसको आप एग्जीक्यूट करवाइए, बिना उसके एग्जीक्यूटिव की जनता परेशान है और गर्मी में तो पानी के कारण परेशान है, टेम्परेचर के कारण, बिजली के कारण परेशान है। तो इन सबको कलेक्टर होने के नाते इनके अधिकारियों को आप कसिए और जनता को पानी भी उपलब्ध कराएं। इनको निगम में जोड़ेंगे तो कम से कम उनको निगम की सुविधाएं मिलेंगी, इस प्रकार की व्यवस्था की। साथ में एक बड़ा बिंदु जो मैंने इनको आज एप्लीकेशन दी है कि पिछले दिनों एक अखबार में स्टेटमेंट आया था जिसके आधार पर मैंने विधानसभा के अंदर प्रश्न पूछा कि मेरे अजमेर उत्तर में दिसंबर 2018 से लेकर के दिसंबर 2021 तक 20,875 नाम काटे गए, किसी एक एक बूथ पर जहां पे टोटल 1100-1200 वोटर हैं वहां पे 450 तक के वोट कटे हैं। तो मैंने इसकी जांच का BLOs ने कुछ जगह मनमाने ढंग से काटे हैं, कुछ जगह किस कारण से कटे हैं। मैंने ऐसे इनको 81 बूथों की सूची दी है कि जिनमें 100 से अधिक नाम काटे गए हैं, इसकी मैंने जांच करवाने और संबंधित BLOs के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मांग की। कौन कौन सी कॉलोनियाँ बस रोड में नाम कटे हैं, रामनगर में कटे हैं, शहर की ऐसी 81 बस्तियाँ हैं, बूथ हैं जिन पे नाम कटे हैं, मैंने वो सूची वाइज इनको प्रस्तुत किया है।